जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ पर एक जोरदार बात लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसा चल रहा था कि इस महामारी के अंदर कोरोना वायरस ने सबको अंदर से हिला दिया है। बहुत गुरु भगवंतों से बात हुई, तब एकदम ध्यान में आया अचानक कि हमारे जो घंटाकर्ण महावीर जो हाजरा हाजूर है, और हमने उनके कल्पों में ऐसा पढ़ा हुआ है कि जिनके नाम स्मरण से प्राणी मात्र के रोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की कैसी भी तकलीफ हो उसका भी निवारण हो जाता है, और कलयुग में वो हाजरा हाजूर है और वो महुड़ी तीर्थ हमारे एकदम करीब भी है। तो कल नंदीगाम में विराजमान परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद् विजय शिवसागर सूरी महाराज साहेब के साथ बात हुई, और हमने उनके साथ बहुत सारी घंटाकर्ण महावीर की साधनाएं की हुई है। जब 2011 में हम मेहसाणा में रहते थे तो बहुत बार सिमंदर स्वामी मंदिर में जाने का आने का होता था, और उनके उत्तर साधक के स्वरूप में बहुत काम गुरुदेव मुझे सौंपते थे। मैं और बालमुनि ऋषभ सागर जी साथ में मिल करके बहुत सारे घंटाकर्ण महावीर के कल्पों की आराधना भी करते थे, अनुष्ठान भी करते थे, और उस कल्पों में हमने नज़र से देखा कि रियल में हम सुबह में संकल्प करते थे और शाम तक तो उस संकल्प का फल हमें मिल जाता था। तब आचार्य शिवसागर सूरी महाराज साहब ने हमें बताया कि दिनेश भाई, आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिस वीडियो से आज की इस परिस्थिति के अंदर लोगों के मन में जो बहुत टेंशन है कि ये महामारी कब रुकेगी, ये कोरोना वायरस का समाप्ति कब होगी, तो बहुत सारे आचार्य भगवंतों के साथ चर्चा करने के बाद हमें शिवसागर सूरी महाराज साहब ने एक बहुत अच्छी पुस्तक दी, घंटाकर्ण कल्प। ये बहुत प्राचीन बुक है, और इस बुक के अंदर चंदनमल नागौरी जिन्होंने बहुत अच्छा इसके अंदर संशोधन किया हुआ है, और ऐसे ऐसे घंटाकर्ण महावीर के मंत्र हमने देखे, और बाद में महाराज साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें वो कल्प पूरा फोन के माध्यम से भेजा। जब उस प्राकृत भाषा का हमने संशोधन किया तो उसमें तो ऐसे ऐसे श्लोक है कि प्राणी मात्र इस श्लोक को सुनने से, इसका पाठ करने से, इसका संकल्प करने से किसी भी प्रकार की मारामारी हो या तो किसी भी प्रकार की महामारी हो, मारामारी और महामारी इसमें फर्क है। कभी झगड़ा होता है ना, तो संकट के अंदर भी घंटाकर्ण महावीर रक्षा करते हैं, और शत्रु के भय से हमारा पूरा रक्षण होता है। और इस समय में हमारा सबसे बड़ा शत्रु महामारी है, मतलब ये रोग है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक जोरदार बात ये बताना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले हमने और आचार्य महाराज साहब ने एक संकल्प किया था कि दिनेश भाई एक ऐसी बुक बनाएंगे और उस बुक का नाम रखेंगे बाण की आण, मतलब घंटाकर्ण महावीर का जो बाण है उनके हाथ में बताया गया है, उस बाण की आण देने से कैसा भी प्रॉब्लम हो जीवन में तो 100% दूर हो जाता है। आप इस यंत्र में आराम से देख सकते हो कि महावीर ने अपने हाथ में बाण को पकड़ा हुआ है, और कभी भी इस बाण को टच करके उसकी आण आप दे देते हो, मतलब संकल्प कर देते हो, लक्ष्मण रेखा खींच देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि ये घंटाकर्ण महावीर सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, उनको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। मेरी खुद की जो समझण है और हमारे गुरु परंपरा से सागर समुदाय में से हमें जो नॉलेज मिला है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इस युग के अंदर घंटाकर्ण महावीर की बहुत चमत्कार है, मैंने खुद ने भी अनुभव किए हुए है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ये बात एकदम साइड की है। तत्वम केवली गम्यम, न तो मैं कोई केवल ज्ञानी हूँ, न तो इस बात को करने वाले कोई केवल ज्ञानी है। तब इस बात की ज़्यादा चर्चा करने से तो अच्छा ये रहता है कि जो शासन के लिए काम करते हैं उसके लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए,
मैंने आगे भी आपको बताया था कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण ज्ञान जिसके पास होता है ना वही करे तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी किसी देव को यदि मानना है और किसी देव का यदि संकल्प करना है तो मेरा खुद का अनुभव जो हमने 5 साल तक मेहसाणा के अंदर गुरुदेव के साथ रह करके घंटाकर्ण महावीर के संकल्प किए और उन संकल्पों से हमें जो फल मिला वो आज भी उसकी एक एक कहानी रोमांचक है। मैं आपको एक ही बात बताऊं कि जब इस 18 मार्च को हम तो अफ्रीका में थे, चारों ओर कोरोना महामारी का संकट छा गया था, सभी दरवाजे बंद हो गए थे, तब एक लास्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया की, यदि उसमें हम आ गए तो ये सब कर सकते थे, नहीं आते तो कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे अफ्रीका के अंदर नैरोबी से हमें बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला, ये घंटाकर्ण महावीर के बाण की हमने आन लगा दी और आन लगाने के बाद वहाँ पर हमारे सुश्रावी का हिना बेन करके है, उन्होंने बहुत अच्छा लंच तैयार करके दिया, बहुत सारे फ्रूट के जूस भी हमें को दिए। तो हमने सोचा कि ये तो कैसे ले जा सकते हैं, अभी तो ये संकट में तकलीफ ले उठा के ही जाना पड़ेगा। मगर घंटाकर्ण महावीर को हमने प्रार्थना की कि हे घंटाकर्ण महावीर, चारों तरफ कोरोना महामारी छा गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपके बाण की आग लगा देते हैं और हमें यहाँ से निकाल दो, आप नहीं मानेंगे। वो सब लंच, वो सब फ्रूट के जूस हम फ्लाइट में लेकर के आए, फ्लाइट के अंदर लोग देखने लगे। अहमदाबाद के विद्वान पंडित वर्य गौरांग भाई मेरे साथ थे और उन्होंने कहा, दिनेश भाई ये कैसा चमत्कार कि फ्लाइट के अंदर अपना घर का जूस लेके आए, घर का खाना लेके आए, और आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, 18 मार्च 2020 हम यहाँ अहमदाबाद में डायरेक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट से आ गए। और आने के बाद देखा तो मोबाइल नहीं था, सुबह में 4 बजे, जिसके अंदर हमारी पूरी डेटा थी। तो मैंने मेरे सन सिद्धार्थ को उठाया और कहा, बेटा ये फ़ोन मेरे पास नहीं है और इसके अंदर सभी हमारी डेटा है। तभी भी मैंने घंटाकर्ण महावीर का संकल्प किया, बाण की आण लगा दी, आप मानो या ना मानो। एयरपोर्ट से मेरे को फ़ोन आया कि आप दिनेश भाई बोल रहे हो, आपका मोबाइल यहाँ पर है, आप लेके जाइए। सुबह में 4 बजे मैं एयरपोर्ट गया, उधर से फ़ोन लेके आया और मैंने महावीर को प्रार्थना की कि हे महावीर, आप रियल में बहुत प्रभावशाली है। अभी आपको ऐसा प्रश्न होगा मन में कि नौकार मंत्र है तो फिर ये घंटाकर्ण वीर को मानने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे हमारे देवी देवता है। भाई जो काम जिस लेवल का होता है ना वो काम उसी व्यक्ति को सौंपना पड़ता है। हमारे घर के आगे थोड़ा कचरा है और हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फ़ोन करें तो वो प्रधानमंत्री का अपमान है। उसी प्रकार नौकार तो मंत्रों का राजा है, जब कोई बहुत बड़ा विघ्न हो ने तब उनको याद करे, मोक्ष प्राप्ति के लिए याद करे तो उसका सम्मान भी रहता है और उसका प्रभाव भी रहता है। ऐसे छोटे छोटे कामों में महामंत्र को याद करके उसका स्वमान तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी मानतुंग सूरी महाराज साहब है, सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज साहब है, भद्रबाहु स्वामी महाराज साहब है, जिनके ऊपर जब जब संकट आया तब तब उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की प्रार्थना की, अलग अलग स्तोत्रों की रचना की। कहीं भी कोई नौकार मंत्र का उल्लेख किया हो ऐसा हमारे को देखने में नहीं आता है। हाँ, अभय कुमार है, कुछ ऐसे ऐसे चंदन बड़ा साध्वी जी है जिनका पद श्रावक का था, मगर नौकार मंत्र का स्मरण करने से सभी विघ्न दूर हो गए। मगर हमारे आत्मा की इतनी शुद्धि भी नहीं है कि हम याद करें और काम हो जाए। जब एकदम शुद्धि नहीं होती है तो छोटे छोटे कामों के लिए ऐसे महावीरों को याद करना चाहिए। आप बिल्कुल गलत मत लगाना, ये जैन धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं है। हमारे आचार्य देव श्रीमद विजय बुद्धि सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब जिनकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। आज के इस युग के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब लाल किले के ऊपर से देश को संबोधन करते हैं तब ऐसे आचार्य भगवंत को नमन करते हैं और ऐसे कहते हैं कि उस समय में आचार्य बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने जो भविष्यवाणी की थी
वो सभी भविष्यवाणी आज मैं इस हिंदुस्तान के बनती हुई देख रहा हूँ। गुजरात में तो तीर्थ क्षेत्र है महुड़ी करके, उत्तरी गुजरात में है, जैन समुदाय के लोग वहां जाते आते रहते हैं। आज से करीब 100 साल पहले वहां एक जैन मुनि हुई है। अब वो किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान थे, खेत में काम करते थे, लेकिन जैन परंपरा के साथ जुड़ करके वे दीक्षित हुए, जैन मुनि बने। करीब 100 साल पहले वो लिख करके गए हैं, उन्होंने लिखा है, बुद्धि सागर जी महाराज ने उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी किराने की दुकान में बिकता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 100 साल पहले एक संत लिख के गया कि पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से ले रहा हूं, तो हमारे को गर्व लेना चाहिए कि ऐसे बुद्धि सागर सूर्य महाराज साहब कि जिन्होंने सालों पहले भविष्यवाणी की थी और वही भविष्यवाणी के हिसाब से आज हो रहा है। और वो महुड़ी तीर्थ कि जहां पर आज लाखों नहीं करोड़ों भक्त आते हैं, जैन से तो जैनेतर ज्यादा लोग आते हैं। और मैं तो एक बार काली चौदस के दिन गया था, शिव सागर सूरी महाराज साहब की प्रेरणा थे, उनका बहुत आग्रह था कि दिनेश भाई एक बार जाओ, एक संकल्प करो। और मैं गया, मुझे आगे बिठाया गया और जब मैं देख रहा था ने तो वहां जो बोली लग रही थी ने, लाखों रुपये की बोली हो रही थी। और ऐसे लोग बोली लगा रहे थे ने कि जिनका जैन धर्म के साथ कुछ संबंध नहीं था। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप घंटा कर्ण वीर का संकल्प करो, साथ में नमस्कार मंत्र को भूलना नहीं है, अपने इष्ट मंत्र को भी भूलना नहीं है, मगर एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा से किया हुआ हर एक संकल्प 100% पूर्ण होता है। आप यदि बाण की आण बुक्स जो हम बनाना चाहते हैं उसमें लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। बहुत छोटी सी किताब होगी, लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी और आप आफरीन पुकार के बोलेंगे कि ऐसी बुक हमने कभी भी नहीं देखी है। और वो बुक की कीमत भी मिनिमम रखनी है। हमारी गुरुदेव की भावना तो ऐसी है कि दिनेश भाई घर घर तक और घट घट तक इस बुक को फ्री में पहुँचाना है। मगर कभी कभी मित्रों क्या होता है, कोई चीज़ फ्री में दे देते हैं ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए मैंने ही उनको कहा कि गुरुजी मिनिमम प्राइस रखेंगे और वो जो पैसे आएंगे ना वो घंटाकर्ण महावीर की भक्ति में लगाएंगे। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि दिनेश भाई आप बुक तैयार करो, अपन उसका प्रकाशन करेंगे। बहुत लोग प्रकाशन करने के लिए तैयार भी है। यदि आपके ऊपर कोई घंटाकर्ण महावीर का चमत्कार हुआ है, उन्होंने आपका कोई संकल्प पूरा किया है, तो 100% हमारे इस फेसबुक के ऊपर आप लाइक भी कीजिए और कमेंट में भी लिखिए ताकि हजारों लोगों तक ये घंटाकर्ण महावीर के चमत्कार पहुँचे। हम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ऐसे बहुत सारे वीडियो एक दिन हर रोज बनाते हैं और हर रोज उसको रखते भी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँचाए, तभी घंटाकर्ण महावीर की कृपा भी होगी और धर्म का प्रभाव भी बढ़ेगा। अंत में परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मन वचन काय से मिच्छामि दुक्कड़म, इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप फ्रीली ये नंबर पर फोन कर सकते हैं। और फोन करने का टाइम है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, डायरेक्ट मैं खुद आपसे इस बात का जवाब दूंगा। जय जिनेंद्र।